नमस्कार किसान भाइयों, मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर अफीम की खेती का वीडियो, और यह मेरे दसहरी का रकबा है। दो महीने की ये फसल लगभग हो चुकी है। अभी तक मैंने इस पर सिर्फ एक स्प्रे किया है काली मसी का, और यह अब मैं दूसरा स्प्रे करने जा रहा हूँ, क्योंकि बारिश के बाद काली मसी का अटैक अचानक होने लगा है और मौसम खुलने में 2-3 दिन का समय लगा था। तो अब आज मौसम साफ दिख रहा है, तो मैं आज इस पे स्प्रे करने जा रहा हूँ। तो दूसरा स्प्रे में मैंने काली मसी की रोग के लिए क्या क्या लिया है, ये मैं आपको इस वीडियो में जानकारी बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा उनका काम करने का तरीका क्या है और उनका रिजल्ट क्या है। तो किसान भाइयों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे रिलेटेड खेती से संबंधित अन्य जानकारी भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, काली मसी का रोग जब मौसम में नमी आ जाती है और भूमि में भी जब नमी होती है तो अचानक तेज़ी से बढ़ना लगता है, और जब इस पर दवा स्प्रे करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आगे का जो मौसम है, यानी दवा छिटकने के 1-2 दिन बाद वो शुष्क रहना चाहिए, यानी उस समय बदल हद्दल ज़्यादा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि तो ही दवा अपना पूरा प्रभाव करेगी। और आप हमेशा लिमिटेड मात्रा में ही दवाई का यूज़ करें, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया था। यदि आपके खेत में रोग का प्रकोप ज़्यादा हो गया है तो आप पुनः 5 से 6 दिन बाद इस स्प्रे को दोहरा सकते हैं, लेकिन एक बार में ही आपको दवाई की मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी है। जैसे एक साधारण से आदमी को बुखार हो जाता है तो वो बुखार की गोली लेता है, एक गोली लेता है, उसके बाद जब उसका बुखार उतर जाता है तो उसके बाद उसको इंजेक्शन वगैरह, ट्रीटमेंट और सिरिंज वगैरह दी जाती है। लेकिन जब वो ज़्यादा बुखारग्रस्त है तो उसको कोई अचानक से हेवी डोज नहीं दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारी फसल भी है, ये फसल बहुत नाजुक होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या डोज यूज़ किया है, आप भी देख लीजिएगा, और चाहे तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा टेक्निकल के रूप में बताता हूँ, कंपनी आप अपनी मनपसंद हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जो कंपनी ली है मैं आपको बता देता हूँ, आप यही टेक्निकल किसी अन्य कंपनी से भी ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। दूसरे स्प्रे में हमने लिया है टाटा रैलीज इंडिया का मास्टर, जिसमें है मेटालेक्सिल प्लस मेनकोजेब 8% प्लस 64% WP, इसकी मात्रा ली हमने 200 ग्राम, और एको सिस्टमेटिक फंजीसाइड लिया है जो है विलवुड कंपनी का, और इसका नाम है थायोफेनेट मिथाइल 70% WP, यानी दो प्रकार के फंजीसाइड लिए हैं, दोनों सिस्टमेटिक फंजीसाइड हैं। और जो टाटा रिलीज इंडिया का है, इसमें मेनकोजेब है वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, यानी फफूंद को छूकर और पौधे में समाकर दोनों प्रकार से ये फफूंद नाशक फफूंद का नाश करेगा, यानी जो ये रोग है काली मसी का इसका सफाया करेगा। और साथ में लिया है हमने एक रस चूसक कीड़ों के लिए थायोमेक्साम, एक पाउच 15 लीटर के लिए है। यदि आप 20 लीटर का पंप यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से इसको यूज़ कीजिएगा। और साथ में लिया एक टॉनिक A to Z, आप देख पा रहे होंगे, यह है 250 ml, और यह 250 ml है, इसको आपको 10 आरी के लिए यूज़ करना है एक बार में। तो चलिए फटाफट से इसका घोल बना लेते हैं। दूसरे स्प्रे के लिए आपको कम से कम 100 लीटर पानी का यूज़ करना है। यदि आपके 15 लीटर का स्प्रे पंप है तो आप उस हिसाब से, क्योंकि हमारे 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो हम इसमें 5 टंकी यूज़ करेंगे दसहरी के लिए, तो
पांच टंकी का घोल बनाने के लिए एक टंकी में एक डिब्बे का पानी की मात्रा हम डालेंगे। तो इस तरह से हमें पांच टंकी का घोल बनाना है। वांछित पानी की मात्रा में फंजीसाइड को मिलाकर घोल को अच्छी तरह से घोल लें। और एक बात का हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी कोई टॉनिक यूज़ करें तो उसे किसी भी फंजीसाइड के साथ घोल में ना मिलाएं, उसे डायरेक्ट आप टंकी में ही डाल दीजिए जितना आपको नाप के डालना हो। तो किसान भाइयों, मैंने इस दवाई का स्प्रे कर दिया है और मुझे इसका रिजल्ट ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप दवाई का स्प्रे उस समय करें जब मौसम साफ हो, यानी अगले एक दो दिनों में भी मौसम ख़राब न हो, तो ही जो फंजीसाइड और कीटनाशक है वो अपना पूर्ण असर दिखाते हैं। क्योंकि आज आपके हाथ में जो डिवाइस है आज पे आप आसानी से जान सकते हैं कि अगले एक दो दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें आप, और मौसम के देखने के बाद ही दवाई का स्प्रे करेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो बस एक छोटी सी जानकारी थी, आपके प्रति सहानुभूति रखता हूँ इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय जवान, जय किसान।